कठुमर में समीवर्ती गांव बाडला में रविवार देर शाम को एक 21 वर्षीय विवाहिता ने केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर जलाकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। डीएसपी ताराचंद ने बताया कि घसकटा उत्तर प्रदेश निवासी विजेंद्र राजपूत की पुत्री वंदना राजपूत उम्र उसकी 21 साल की है, जिसकी शादी 20 फरवरी 2015 को थाना कठुमर क्षेत्र के बाडला निवासी दीपक राजपूत के साथ की गई थी। वंदना का पति दीपक अहमदाबाद के गुजरात में काम करता है। जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम वंदना ने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली, जिसमें वह पूरी तरह झुलस गई और मौत हो गई। देर रात मिली सूचना पर कठुमर पुलिस के ASI साव खान और हेड कांस्टेबल लखन सिंह मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कठुमर CHC में रखवाया, जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया और शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में मृतका के पिता विजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसने अपनी बेटी की शादी दीपक राजपूत के साथ की थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग वंदना को परेशान करते थे और उसे जलाकर मार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे तफ्तीश जारी है। हमारी लाली वंदना ब्याही थी, वो अपनी सास ने मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के खत्म कर दी है। दहेज के ऊपर रोज मारते कूदते गाड़ी गलोच, कई बार हम आके यहाँ समझा गए, एक बार लाली हुए ले गए, फिर यो कही हम नहीं मारेंगे, फिर ले आए सर गाँव से कई कैसा भेज दो साहब हम नहीं मारेंगे, फलान गाँव के कई फिर भी हालत कर गई, हम लास्ट में आके खत्म कर दी।